इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन से पहले हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी। वो प्लानिंग क्या है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में जानना होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इंस्टॉल करने के लिए हमें हमारा हार्डवेयर कितना होना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब भी हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जाएं तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारा हार्डवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सुटेबल है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जितने भी हार्डवेयर की हमें ज़रूरत है उतना वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन के समय फिर आपकी आपको ये प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। बीच में ही इंस्टॉलेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। पहले ही हम ये चीज़ देख लें कि हमारा हार्डवेयर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं विंडोज 7 इंस्टॉल करने के लिए हमारे कंप्यूटर में कितना हार्डवेयर चाहिए। कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू जो आपको कम से कम 1 GHz का आपका होना चाहिए। आपका 86, ये थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। 1 GHz प्रोसेसर चाहिए। P4 भी चलेगा, और अगर आप मच बेटर चाहते हैं, ठीक है, ये जो है रिकमेंडेड है, थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। हार्डवेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड देन है आपका रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। आपका अगर ड्यूअल कोर और एडवांस दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोसेसर। रैम इज रिक्वायर्ड 512 MB रैम मिनिमम। इफ यू इंस्टॉल्ड 2 GB ऑफ रैम दैट वुड बी बेटर। सो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको 2 GB इंस्टॉल करना होगा। एंड SSD, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ SSD इज 16 GB एंड इफ यू विश टू गेट गुड परफॉर्मेंस सो यू नीड टू इंस्टॉल दिस 40 GB ऑफ SSD इन योर कंप्यूटर। एंड अपार्ट फ्रॉम द अदर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, माइस, UPS, मॉनिटर,
is required one one piece. So this is the hardware requirement of Windows 7 installation. आपके कंप्यूटर में इतना हार्डवेयर कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए विंडोज 7 इंस्टॉलेशन के लिए. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हम कई प्रकार से कर सकते हैं. एक फर्स्ट मेथड, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क हो विंडोज 7 और उसको हम डीवीडी की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं. दूसरा, हम पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर हमारे पास पेन ड्राइव बूटेबल है तो उसकी भी मदद ले सकते हैं. तीसरा तरीका है, हम नेटवर्क इंस्टॉलेशन परफॉर्म करें. माइक्रोसॉफ्ट के लिए हमारे पास एक सर्वर होता है जिसका नाम WDS है, दैट इज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, जिसकी मदद से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप VMware में इमेज के थ्रू इंस्टॉलेशन करेंगे. यहाँ पर मेरे पास VMware वर्क स्टेशन है. सो चलिए इसके लिए मैं एक मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू वर्चुअल मशीन. और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज 7 अल्टीमेट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे. So I'm going to skip the product key and other information. This is the optional. Next करना है, and the option is where you want to keep your virtual machine data. So आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको उस drive में जाना है जहाँ पे आपका space free हो. So मेरे पास है यहाँ पर virtual storage में बैकअप ऑफ वर्चुअलाइजेशन फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, विन 7 VM. और फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे. हार्ड डिस्क हम 40 GB दे दे रहे हैं यहाँ पर, सिंगल फाइल में स्टोर हो. रैम 1 GB. तो थोड़ा देर वेट करना है और फिर से इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा. सो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप VMware पे एक मशीन क्रिएट करेंगे और इंस्टॉलेशन आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर सकते हैं. सो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल. अगर आपको VMware की नॉलेज या VMware सॉफ्टवेयर के बारे में पहले से नॉलेज है तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं. अगर आप नए यूजर हैं तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना होगा कि कैसे इसको ऑपरेट करेंगे. इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. इसमें आपको स्पेशली मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप VMware को ऑपरेट करेंगे. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है. मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस दे दे रहा हूँ यहाँ पर, इससे हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं. राइट अल्ट प्लस कंट्रोल की से आप माउस या कर्सर को बाहर ला सकते हैं और फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे. ये मेरा बेस मशीन है विंडोज 8 का और ये है आपका VMware सॉफ्टवेयर जिसमें हम विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं. बहुत ही आसान है दोस्तों इसको चलाना. बस थोड़ा सा आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग की जरूरत है जिस ट्रेनिंग में आपको ये बताया जाएगा कैसे आप विंडोज या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमें अभी यह है इस
आर्किटेक्चर का आपको इंस्टॉल करना है, दैट इज द 64 बिट एंड x86। सो एज पर योर हार्डवेयर आप कोई भी यहाँ से आर्किटेक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल गो विथ x86। यहाँ पे इससे पहले पार्टीशन का भी ऑप्शन आता है, क्योंकि मैं विंडोज 7 वीएमवेयर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन इसमें स्किप हो जाता है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे पार्टीशन का मैनेजमेंट करते हैं। फिलहाल वीएमवेयर में इंस्टॉलेशन आप ऐसे ही करेंगे, पार्टीशन के लिए मैं देखूंगा किसी एक वीडियो में आपको समझा दूंगा कैसे पार्टीशन करते हैं। हमको वेट करना होगा अराउंड 15 to 20 मिनट्स। जैसे इंस्टॉलेशन फिनिश होता है हम इसके आगे सेटिंग फिर से करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा विंडोज 7 इंस्टॉल हो गया है। हम जरा से जान लेते हैं कैसे बेसिक सेटिंग करते हैं इसके। ये आपका पर्सनलाइज, सबसे पहले डेस्कटॉप के आइकन ले आते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पर आप ये आइकन्स देख रहे हैं, इस पूरे प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पे जो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी ये कहलाएंगे डेस्कटॉप आइकन। ये आपका स्टार्ट मेन्यू और ये आपके हैं प्रोग्राम जो क्विक लॉन्च में होते हैं, और इस को बोलते हैं टास्क बार। सो यहाँ पे ये आपका जो राइट हैंड साइड कॉर्नर है ये कहलाता है नोटिफिकेशन एरिया, जिसमें ये सिंबल है आपका लैन का, ये स्पीकर का, डेट एंड टाइम, और कुछ आपके हिडन आइकन्स है जो यहाँ पे होंगे, इनको भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। हमें माई कंप्यूटर का, अगर कंप्यूटर नेम चेंज करना है, माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टी भी जा सकते हैं, चेंज सेटिंग, चेंज, और यहाँ पे इसका हमने दे दिया नाम PC001। जब भी हम कंप्यूटर नेम चेंज करेंगे हमारा पीसी एक बार रीस्टार्ट होगा, थोड़ा सा होगा ये मैसेज आ गया, यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस सेटिंग। जब तक हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये हमारे कंप्यूटर की सेटिंग टेक ओवर नहीं करेगी। तो हमने एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया, वेट करना होगा थोड़ा से जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो जाता। ये हमारा विंडोज 7 ऑन हो गया है।
आप चेक कर लेते हैं हमारा कंप्यूटर नेम चेंज हुआ कि नहीं। प्रॉपर्टी पे गए, यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर नेम PC001। सो इस तरीके से आप विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।